समीर जी, पांच मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज सदन के अंदर जनजाति कार्य मंत्रालय के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची में हाथी समुदाय को जनजाति सूची में शामिल करने के लिए यह जो है प्रस्ताव लाया गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अनुसूचित जनजाति के रूप में ये जो सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाथी समुदाय को यह शामिल करने के लिए जो लाया गया है, अपने जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी ने लाया है, इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। महोदय, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी इस देश के अंदर रहने वाले जो जनजाति समुदाय है उनकी उपेक्षा होती रही है, और ये जो है आजादी के 60-65 वर्षों तक देश के जनजाति समुदाय के लिए पिछली सरकारों ने कभी चिंता नहीं किया, सोचा नहीं, और ये जनजाति विषम परिस्थितियों में संसाधनों के अभाव में भी जीवन जीने के लिए मजबूर रहा। उपसभापति महोदय, निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन सारी बातों को बहुत ही माइक्रो लेवल पर पहुंच करके देखा, समझा, और इस देश के अंदर रहने वाले जनजाति समुदाय को किस प्रकार से समाज के मुख्यधारा से जोड़ करके विकास के रास्ते आगे बढ़ाया जाए, ऐसा विचार करते हुए योजना उन्होंने किया। और आज एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए जनजाति समुदाय के विकास के लिए काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए देश के सर्वोच्च पद के स्थान पर महामहिम राष्ट्रपति को भी वहां पर बैठाने का काम हुआ है। आजाद भारत में पहली बार केंद्र सरकार में 8 आदिवासी भाइयों को मंत्री बना करके उनका सम्मान करने का काम किया, जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए योजना करने के लिए अवसर दिया। इसी प्रकार से राज्यपाल जो हमारे देश में 3 ऐसे जनजाति राज्यपाल भी हैं, तो इस प्रकार से जो है जनजाति समुदाय को आगे बढ़ने बढ़ाने का अवसर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। इसके पहले लोगों ने विचार नहीं किया। और इसी प्रकार से जो हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से हाथी समुदाय को जनजाति सूची में शामिल करने के लिए उन दिनों से 49 वर्षों से लगातार वहां के लोगों ने आग्रह किया, संबंधित जो है जो प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से भी उन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन पिछली सरकारों ने कभी इधर फेंके कभी उधर टाल मटोल करते हुए इनको जो है जनजाति की सुविधा से वंचित रखा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अर्जुन मुंडा जी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए हाथी समुदाय जो कि पहले किसी एक क्षेत्र में पहले से जनजाति है, लेकिन नदी के इस क्षेत्र में
वो लोग जो है वंचित हैं, जबकि दोनों का खान पान रहन सहन सारे परंपराएं नेक चार से लेकर के आस्था विश्वास सब एक प्रकार का है, लेकिन ये लोग जनजाति सुविधा से वंचित हैं। आज इस सदन के अंदर में यह बिल आया है, निश्चित रूप से आज पास हो रहा है। वहाँ के ऐसे जनजाति जो भारत सरकार के विभिन्न प्रकार के जनजाति जो सुविधा है प्रावधान है उसको वो प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज जो है देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए कैसे उनके गांवों का विकास हो, इसलिए आदि आदर्श ग्राम विकास योजना जो प्रारंभ किया है, जो कि पूरा ये सारे योजनाएं सेचुरेशन मोड पर हमारे माननीय मंत्री जी ने योजना किया है कि कन्वर्जन ऑफ स्कीम जो 41 प्रकार के जो विभागों के अंदर जनजातियों के विकास करने के लिए जो बजटीय प्रावधान है जो जनजाति कार्य मंत्रालय के अंदर, ये उन गांवों के अंदर पूरे सेचुरेशन मोड पर इंटीग्रेटेड योजना वहां पर लागू होगा, जिससे कि उस गांव के अंदर में सभी प्रकार के जो अपेक्षाएं आवश्यकताएं हैं वो सारा विकास का काम होगा, ऐसा सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनजातियों के लिए वो काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक एक चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे जनजाति भाइयों के लिए जो काम कर रहे हैं, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे जनजाति भाई अपने भाषाओं के आधार पर कैसे नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है अपने भाषा में पढ़ाई करेंगे और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और देश के लिए काम करने के लिए आगे कहीं ना कहीं उच्च स्थानों पर पहुंच करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा सोच हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से मैं अपने माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि झारखंड प्रदेश के अंदर में भी कुछ हमारे चीक बड़ाइक है, भूहर मुंडा है, लोहरा है, राजगोण है, ऐसे जो मात्रात्मक त्रुटि या छोटे छोटे थोड़े प्रशासनिक कमियों के कारण वो जनजाति सूची से बाहर हैं, इनको भी आप इस प्रकार से प्रस्ताव के माध्यम से ला करके जनजाति सूची में लाएंगे ताकि वो लोग जनजाति लाभ ले सकते हैं, ऐसा आग्रह है। इसी प्रकार से उपसभापति महोदय, केवल मैं आधा मिनट का समय लेना चाहता हूँ कि देश के अंदर सभी प्रकार के जो जनजातियों के लिए जो है सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन गोवा के अंदर में जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी वहां पर जनजाति सूची में तो है, लेकिन जनजाति क्षेत्र होने के बावजूद वहां पर जो है आरक्षण, ये जो है विधानसभा की आरक्षण नहीं है। मैं सदन में आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वैसे बातों को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए विधानसभा की आरक्षण हो, ताकि हमारे जनजाति भाई वहां से विधायक होकर के अपने समाज के विकास के लिए वहां आगे आ सकते हैं, ऐसा निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।